करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के उस मामले की जिस पर काफी ज्यादा सबकी नजरें हैं और जम्मू कश्मीर तक भी इस पर काफी ज्यादा बात की जा रही है। यूनिवर्सिटी से खबरें और तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाएंगे। देशभगत यूनिवर्सिटी में कल भी 5 बजे के प्रोग्राम में हमने बात की थी कि बच्चे किस तरीके से परेशान हैं। कल तक मामला शायद बहुत हद तक हल होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज मामला उस वक्त गर्मा गया। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी की तस्वीर दिखाइएगा जिसमें लाठीचार्ज हुआ है और कई बच्चे जख्मी हुए हैं, और ये ताजा तस्वीरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी से, देशभगत यूनिवर्सिटी में विदिन कॉम्प्लेक्स जहां पर तालीमी सरगर्मियां अब तक आपको देखने को मिल रही थी, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब पुलिस के दोनों मेल और फीमेल विंग्स दाखिल हुई, और ये वो दर्दनाक और तकलीफ पहुंचाने वाली तस्वीरें जहां पर कई बच्चों के जख्मी होने की खबरें हैं। बहुत सारी बच्चियां जो हैं इस वक्त वो हॉस्पिटल चली गई हैं, उनका वहां पर इलाज चल रहा है। काफी परेशान बच्चे हैं, 50 से 55 के दरमियान या 56 के आसपास बच्चों की तादाद बताई जाती है। ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिनको हॉस्टल छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। और इसके अलावा दूसरी बात जो कल के प्रोग्राम ने हमने आपको बताई थी कि इन्हीं बच्चों ने शिकायत की कि उन्होंने दाखिला कहीं और पर लिया और यूनिवर्सिटी कह रही है कि अब आपकी डिग्रीज या आपकी जो डिप्लोमाज हैं वो कहीं और से होंगे। यानी ये पहला इस तरह का इदारा, पैसा आप कहीं और पर जमा करवा रहे हैं, फी आप कहीं और जमा करवा रहे हैं, फी स्ट्रक्चर में जब आप रिसिप्ट पर नाम पढ़ते हैं तो वो देशभगत यूनिवर्सिटी का होता है, लेकिन कहा जाता है कि एक और एसोसिएटेड कॉलेज है वहां से आपको ये डिग्री मिल जाएगी। इस सिलसिले के बीच बच्चियां काफी परेशान और तंग तलब जो की गई हैं, जो बहुत सारे बच्चे जिनका खून बहता हुआ तस्वीरों में देखा गया अलग अलग जगहों पर, इतनी भयानक इतनी तकलीफ ये तस्वीरें थी। और ये मेन गेट है जहां पर पुलिस आज दाखिल हुई, जबरदस्त मजाहमत का भी सामना करना पड़ा और इन बच्चियों को काफी परेशान यहां पर किया गया। हमारे साथ फैसल रियाज भी श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे और मेडिकल स्टूडेंट जिन पर लाठी चार्ज हुआ है उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे, पंजाब से हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों का जिनका भी सेशन बाकी है यहां, अगर वो क्विट करते हैं तो फिर मसला और भी पेचीदा हो जाएगा। बच्चों का 3 साल का जो ये अभी तक पीरियड गुजरा है वो जाया हो जाएगा, पैसे तो वेस्ट गए ही लेकिन साथ साथ जिंदगी भी बहुत सारे बच्चों की दांव पर लगी है, करियर भी दांव पर लगा है। एक बात, दूसरी बात यहां पर यह समझनी होगी कि जो फी स्ट्रक्चर है उसमें हॉस्टल फी भी शामिल है, उसमें मेस की फी भी शामिल है, उसमें बाकी सारी चीजें, यानी वो पैसा भी जो यूनिवर्सिटी को दिया जा चुका है दाखिले के वक्त ही, टोटल फी स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है, अलग अलग रिसिप्ट आपको दिखाई। लेकिन वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने ऐसे हालात बनेंगे कि बच्चों के सर से खून बहेगा, लाठियां बरसेंगी, ये सूरत हाल शायद किसी ने तवक्को नहीं की थी यूनिवर्सिटी के अंदर बनेगी। जरा पहले अपडेट कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी के हवाले से मजीद क्या जानकारी है, और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के का कोई बयान सामने आया, उनसे कोई बात हो पाई है, एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल क्या है पहले वो बताइएगा और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। चलिए फैसल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि हमारे साथ देशभगत यूनिवर्सिटी की एक मेडिकल स्टूडेंट मौजूद हैं। एक मेडिकल की स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो इस सारी सूरत हाल से गुजरी हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए पंजाब से। क्या एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन है और आज दिन भर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है पहले जरा वो बता दीजिएगा हमारे तमाम देखने वालों को। जी सर, सर सुबह से हम प्रोटेस्ट में थे, सुबह चार बजे हम प्रोटेस्ट स्टार्ट किए सर, पिछले 30 दिन एक्चुअली थे, आज हम 4 बजे गए तो हमें पता चला कि
यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी बंद है, इनका लीगल जो नोट्स आया था इनको यूनिवर्सिटी बंद थी सर, लेकिन ये छुप छुप के काम कर रहे, फैकल्टी को अंदर लेके जाना चाहते थे सर। हमने जी गेट बंद, जी जी सर, जब हमने गेट बंद करा तो सारी यूनिवर्सिटी की सारी टोटल फैकल्टी हमारे सामने आई और उन्होंने धरना लगाया सर। हम पे हंस रहे थे, नाच रहे थे सर, और बोला कि हम आप लोगों को हटा कर ही दिखाएंगे सर। सर उन्होंने क्या किया, वो हमारे ऊपर आए, हमें मारा, घसीटा पीटा, किसी को गला दबाया, किसी के बाल खींचे सर, मेरा भी गला दबाया उन्होंने सर। और सर अंदर गए यूनिवर्सिटी में, लड़कियों को कुचला सर, लातों के नीचे कुचल के वो अंदर यूनिवर्सिटी में गए। हमारे चांसलर सर खुद आए थे गेट को खोलने के लिए, प्रो चांसलर मैम खुद आए थे वो सर। तो फिर सर हम ये जो आज लाठीचार्ज हुआ है, इसमें जो बच्चे यस जख्मी हुए हैं, जिन बच्चों को लगी है, क्या सिचुएशन सर अभी एग्जैक्टली है? सर अभी हम एडमिट है हॉस्पिटल में, 5-10 लड़कियां इधर ही है सर, मैं भी हॉस्पिटलाइज हूँ और इस टाइम सर। तो सर इन्होंने पुलिस जो हमारे साथ रابطے में थी सर, ये सब इनकी सपोर्ट कर रहे थे, इनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। पुलिस ने इनको सीधा, पुलिस मतलब इनके साथ फैकल्टी मेंबर्स के साथ 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 पुलिस ने भी हमें मारा, लाठी चार्ज किया हम पे सर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो बच्चे जख्मी हैं, ये तमाम के तमाम जम्मू कश्मीर के हैं? कितने जी लड़के, सर, कितनी लड़कियां जी हैं? जी सर, हम सिर्फ गर्ल्स ही है सर, क्योंकि गर्ल्स के साथ ही सारा ये फ्रॉड हो रहा है सर। इस टाइम अच्छा, हॉस्पिटल में ये सर 5-10 लड़कियां सर एडमिट है सर। किसी फाइनल सोल्यूशन पे अथॉरिटी पहुंची है, बता क्या रहे नो हैं? सर, नो सर, नो सर, ये किसी भी फाइनल सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचते, ये सिर्फ बोलते हैं कि प्रोसेस में चल रहा है, कुछ नहीं सर। इनको जब हमने गेट बंद करा, इनको आज इंस्पेक्शन था सर, वो फ्रॉड इंस्पेक्शन भी इन्होंने करवाया और पुलिस ने इनका पहरा लगाया। पुलिस ने, SHO सर ने खुद अपनी गाड़ी में उनको बाहर निकाला सर, और लड़कों को भी जो हमारे सपोर्ट में थे सर, उनको भी बहुत ज्यादा मारा सर। तो क्या इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की दोबारा इजाजत है, या अभी आप बाहर ही हैं? नहीं सर, हम बाहर ही है, हम हॉस्पिटल में है सर, कुछ स्टूडेंट बाहर है, कुछ हॉस्पिटल में है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। जी, सर इन्होंने इतना ये इस हद तक है कि हम अबाया पहनते, इन्होंने हमारे अबाया फाड़ दिए सर, हमारे दुपट्टे हमसे हमारे सरों से खींचे सर। ये लेडी पुलिस थी जो लाठीचार्ज आप पर कर यस रही सर, थी? लेडी पुलिस प्लस मेल पुलिस भी दोनों ने लाठी चार्ज मिक्स मिक्स में किया सर। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। कोशिश करेंगे कि दोबारा इनसे बाद में बात हो पाए, लेकिन ये वो स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त बड़े इदारे के बजाय तालीमी इदारे में नहीं, तिब्बी इदारे में हैं, यानी हॉस्पिटल इस वक्त पहुँच गई हैं। फैसल रियाज के पास भी श्रीनगर चलेंगे। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किसी बच्चे के घर वाले से, किसी पेरेंट्स से आपने अभी साइमा जो हमारे साथ ज्वाइन की थी, मेडिकल स्टूडेंट, उनकी बात सुनी? बच्चियां जो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ी हैं, बहुत सारे लड़के भी जख्मी हुए हैं, 55-56 स्टूडेंट्स कुल बताए जा रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज के, जिन पर लाठीचार्ज आज हुआ है। तो कश्मीर में क्या जानकारी, इनके घर वालों से, रिश्तेदारों से कोई बात हो पाई है? उनका क्या कोई वर्जन इस पर अभी तक ओपनली सामने आया? देखिए बिल्कुल, जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, कल से लगातार आपने इसके हवाले से बात की है और अभी तक इतना ज्यादा रेस्पॉन्स ना तो घर वालों की तरफ इस पे कोई बात आई है, ना तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ इस पे कोई बात आई है। आपको मैं बता दूं कि असल में मसला कुछ इस तरीके से, ये जो देशभगत यूनिवर्सिटी है यहाँ पे IMC की तरफ से 60 सीटें इनको दी गई थी कि आप 60 स्टूडेंट्स को पैरामेडिकल में आप रजिस्टर कर सके, लेकिन इन्होंने 60 नहीं, इन्होंने 120 को रजिस्टर किया। 60 लोगों को तो रजिस्ट्रेशन मिल गई IMC की, लेकिन जो बाकी 60 बच्चे बच गए पहले सेशन में, उनकी जो है अभी लाइफ हम कह सकते हैं खराब हो गई, क्योंकि अब उनको अप्रूवल IMC की तरफ से नहीं मिलेगा और ये करीबन 3 सेशन के स्टूडेंट्स है जिनके साथ ऐसा हुआ है। अब जैसे अभी डिग्री मांग रहे हैं, हमें डिग्री दीजिए, तो उनको कहा जा रहा है आपका जो हमने एडमिशन है वो दूसरे कॉलेज में किया गया, जबकि फी रिसिप्ट देखते तो फी रिसिप्ट में देशभगत यूनिवर्सिटी का नाम है और फी उन्होंने वहीं पे भरा है। अब पूरे मामले में आप देखिए क्या गलती कहाँ पे होती है। आप देखिए जम्मू कश्मीर जब में जब यहाँ पे नीट एग्जामिनेशन होते हैं तो यहाँ पे सीट्स और कॉलेज की कमी होने की वजह से यहाँ पे सीट्स फिल होती है, जो जिनकी सिलेक्शन होती है उनको GMC में डाला जाता है और जो सिलेक्ट नहीं होते वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर के कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वहां पे हम पैरामेडिक्स करेंगे, लेकिन उनको यहाँ पे जो खाप कंसल्टेंट्स की तरफ से दिखाया जाता है कि आपका कॉलेज वैसा है, आपका कॉलेज ये है,
इस तरीके की फैसिलिटी आपको मिलेगी, लास्ट में वहां पे फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनको वहां पे फ्रॉड किया जाता है, जैसा कि मिसाल आप इन देशभक्त स्टूडेंट्स की है, ये यहाँ से 3 साल पहले गए थे, 2 साल पहले गए थे, अब वहां जाके अब देखिए इनका हाल ऐसा होता है कि आप फिर ये घर वालों को भी नहीं बता पाते हैं कि हमारे साथ इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हुआ, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्सिटी ना तो गवर्नमेंट के साथ एफिलेटेड होती है और ना ही कभी वो यूजीसी के तहत रिकॉग्नाइज होती है, और कुल मिला के जब देखा जाता है जो स्टूडेंट वहां पे जाते हैं उनकी जो लाइफ है वो दाव पे लग जाता है, उनका पैसा जाया हो जाता है, उनकी जो 3 साल की मेहनत होती है वो भी जाया होती है। जब इस पूरे मामले को जब हम देखते हैं, ये खाली देशभक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों की बात नहीं है, ऐसे हजारों ऐसे कश्मीर के स्टूडेंट हैं जो बाहर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन मुश्किल ये होती है वो अपने घर वालों को नहीं बता पा रहे। ठीक है फैसल, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जानना चाह रहा हूं, ये जो मामला है अगरचे इसका डायरेक्टली कंसल्टेंसी के साथ या कंसल्टेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर बात करना बहुत जरूरी है कि जब आप कॉलेज की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, तो कौन सा कॉलेज सही है कौन गलत है, इस पर बहुत बड़ा रोल जो है वो कंसल्टेंट्स का रहता है। कश्मीर सूबे के अंदर बहुत सारे बच्चों ने खमियाजा भुगता, और आपको याद भी होगा कि 2-3 महीने पहले श्रीनगर के अंदर और सेंट्रल कश्मीर के बाकी हिस्सों में कार्रवाइयां हुई, कई कंसल्टेंट जो फ्रॉडस्टर्स थे पैसा लेकर चले गए लोगों को ये ख्वाब दिखाकर कि हम बाहर से आपकी डिग्रियां करवाएंगे। कंसल्टेंट्स का कितना बड़ा रोल है इस वक्त जब अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ऐसी सिचुएशन ना बनी आगे जाकर ना बने जो इस वक्त देशभक्त यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी जो एडमिट होने जा रहे हैं। देखिए बदकिस्मती की ये बात है कि जब कंसल्टेंट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ गिने चुने ही जो रजिस्टर्ड है और अच्छे तरीके से जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं और उनको अच्छे कॉलेज बात तौर पर एफिलिएशन भी देखते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कॉलेज की यूनिवर्सिटी के देखते हैं, लेकिन जो अक्सर कंसल्टेंसी जो कश्मीर में है वो सारे के सारे फ्रॉड है, इसी तरीके से वो एडमिशन लेते हैं अपने इंसेंटिव कॉलेज से लेते हैं और उसके बाद अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती भी उसका फिर वो ख्याल नहीं करते, तो यहाँ पे जरूरत ऐसी है कि आप इनको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्ट लागू नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं बनती है, जबकि यहाँ के दो बड़े जो रिलीजियस अंजुमन है चाहे वो जमियत अहले हदीस हो या कारवां इस्लामी है, दोनों ने सरकार से रजू किया था कि हमें यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत है ताकि जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको हम यहीं पे हम पढ़ाएंगे, चाहे वो मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो या जो भी प्रोफेशन से लेकर मजहबी डिग्री देंगे, लेकिन सरकार की तरफ से उसका अप्रूवल नहीं आया, तो नतीजा ये होता कि यहाँ के बच्चों जो है वो बाहर होते, अब उनको डायरेक्टली या घर वालों को पता नहीं होता कि कहाँ पे आप ये कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो इसके लिए कंसल्टेंसी आप देखिए कंसल्टेंसी वाले एक एजुकेशन मेला करते हैं, वहां पे डीसी को बुलाते हैं, एसपी को बुलाते हैं और बड़े बड़े ऑफिशियल को बुलाते हैं कि हम इस तरीके से फैसिलिटी देंगे वो फैसिलिटी देंगे, तो बच्चे कन्विंस हो जाते हैं, बच्चे इन्हीं के पास आते हैं जिनके एडवर्टीजमेंट ज्यादा होते हैं जिनका चर्चा ज्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो फिर बाहर जाते हैं तो वहां पर उनको ठगा जाता है। अब रोल की जहां तक बात है तो मेन रोल तो कंसल्टेंसी का है कि अगर वो सिंसियरली काम करेंगे, अगर वो बच्चों के मुस्तकबिल का सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जैसी ये आज का जो हाल सामने आई है जहां पे 65 बच्चों के जो कैरियर है वो दाव पे लगा हुआ है, उनके पैसे जाया हुए हैं, वो जख्मी हो गए अस्पताल में वो इस वक्त है, तो कहीं ना कहीं अगर वो अच्छे तरीके से अपना रोल निभाएंगे तो इस तरीके की सूरत हाल नहीं बनेगी, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो कंसल्टेंट्स का जो रोल है वो इस वक्त जीरो है, वो नेगेटिव है और उन्हीं की वजह से जो कश्मीर के स्टूडेंट बाहर पढ़ते वो सफर करते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे लेते हैं, इंसेंटिव कॉलेज से लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस इन बच्चों से लेते हैं, जेब भरते हैं, लेकिन स्टूडेंट का वो फिर सोचते नहीं है क्या इसका इसका फ्यूचर डार्क होगा या इसका फ्यूचर ब्राइट। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मुकम्मल तफसीलात और इस पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए कि कितना बड़ा रोल इस वक्त एक बच्चे को बेहतर कॉलेज दिलाना, और कंसल्टेंसी की जब बात होती है तो ठीक वैसे ही जिम्मेदारी इन पर आयद होती है जैसे वालिदैन पर कि वो बच्चे को बताते हैं कौन से रास्ते पर आपको जाना है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है। हालांकि इस वक्त कंसल्टेंसी जिनके मुतल्लिक शिकायतें मिली उन पर पुलिस ने कार्रवाइयां की भी हैं, लेकिन यहां पर ख्याल करने वाली चीज जो है वो ये है कि अगर कंसल्टेंट्स यहां पर अपना इंपॉर्टेंट रोल नेगेटिव में प्ले करेंगे तो फिर ये सिचुएशन बनेगी जैसे इन बच्चों को ख्वाब दिखाए गए थे और आज ये पता चलता है कि उनके पास जो फी स्ट्रक्चर वाली रिसिप्ट है उस पर यूनिवर्सिटी का नाम है लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी एडमिशन कहीं और कराई है। तो ये बहुत बड़ा रोल मकामी सतह पर अगर कोई पूछता है कि कंसल्टेंट्स का रोल क्या है तो उसका जवाब ये है जो आपके सामने हमने रखा है।